आज आप सबसे पहले एक वीडियो देखिए। बस बढ़िया सर, वीडियो देखकर कुछ हद तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये मामला क्या है। अगर नहीं समझे तो पूरा मामला हम समझा देते हैं। दरअसल ये वीडियो मध्य प्रदेश के शाजापुर का है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब यहाँ पहुंची तो सड़क किनारे कुछ बीजेपी कार्यकर्ता खड़े थे। उन्होंने राहुल को देखकर मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। राहुल ने ये सब देखकर अपनी गाड़ी रुकवाई और उतर कर इन लोगों के बीच पहुंचे। अब बीजेपी कार्यकर्ता तब भी नारेबाजी करते रहे जैसे ही राहुल उनसे हाथ मिलाने के लिए उनके पास पहुंचे और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इन लोगों ने उनके हाथ में आलू थमा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल को आलू देकर ये तक कह दिया कि अब आप इससे सोना निकालिए। राहुल ने भी इन लोगों को धन्यवाद दिया और आलू लेकर बोले अगली बार आऊँगा तो सोना लेकर आऊँगा। इसके बाद राहुल अपनी जीप की तरफ बढ़े और उन्होंने उन कार्यकर्ताओं की तरफ फ्लाइंग किस भी दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। अच्छा, उधर एक बार फिर राहुल ने राम मंदिर के जरिए पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर चुनाव में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और चाइना का युवा हो वो 7 घंटे रील देखे, ये मैं चाहता हूं और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी से पहले विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ ही डीएमके के सांसद ए राजा भी राम मंदिर और भारत देश को लेकर काफी कुछ विवादित कह चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी इंडिया गुट और खासकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई। वह ये कि ए राजा ने यह बयान कोयम्बटूर में एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप कहेंगे प्रभु श्री राम ही आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय है तो हम भगवान राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तमिलनाडु स्वीकार नहीं करेगा। आप जाकर कह दो हम प्रभु श्री राम के शत्रु हैं, मुझे रामायण और भगवान राम पर भरोसा नहीं है। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। राजा ने भारत को देश मानने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ ले, भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। जाहिर है इतना कुछ सुनने के बाद बीजेपी शांत तो नहीं बैठेगी। सत्ताधारी पार्टी के नेता मैदान में उतरे और विपक्ष पर हमलावर हो गए। टीएमसी के एक विधायक है रामेंदुर सिंह राय, वो तो कमाल की बात किए हैं। एक विधायक का हमको नोटिस नहीं लेना था, लेकिन क्या कहा है, मंदिर में तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण करते हैं, इमाम करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कैसे कर दिया प्राण प्रतिष्ठा? ये कौन सी सोच है जिस सनातन में माता सबरी को स्थान मिलता है, जिस सनातन में निषाद राजा को सम्मान मिलता है, जिस सनातन में संत रविदास को एक बड़ा संत कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है तो कुछ जाने का अधिकार नहीं है? ये बहुत ही कुत्सित सोच है। ममता जी आप खामोश क्यों हैं? आपने कुछ बोलबेन की खाली काली मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे? ममता जी हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, इसलिए ये जो टिप्पणी की गई है वो देश के गरीबों का अपमान है, देश के पिछड़ों अति पिछड़ों का अपमान है। कि कोई पिछड़ा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, ये सोच है, सामंतवादी सोच इन लोगों की। ये सब वो लोग हैं जो हिंदी को गाली निकालते हैं, हिंदुस्तान को खत्म करने की बात करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़ों टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने राज्यसभा के सांसद जीतने के बाद
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को कुचलने की बात करते हैं। बनाते तो इंडी गठबंधन है लेकिन इनका घमंड अहंकार बाहर निकलकर आता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पड़े, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना पड़ा और वो भी एक नहीं अनेक बार इस तरह की बात, और उत्तर और दक्षिण को अलग अलग करके देखना, अलग अलग टुकड़ों में देखना भारत को, ये सोच इन्हीं की हो सकती है। हम तो भारत को एक सशक्त देश बनाने की दिशा में और विकसित भारत बनाने की कल्पना करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेता न केवल अपनी जुबान पर लगाम लगा पा रहे हैं बल्कि कांग्रेस और टीएमसी जैसी बड़ी पार्टियां अपने खेमे में हो रही कूद फांद को भी नहीं रोक पा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। पार्टी को दो दिन में गुजरात और यूपी में दो बड़े झटके लग गए। गुजरात में पार्टी के वरिष्ठ विधायक अर्जुन मोडवाडिया ने कांग्रेस को राम राम कह दी और बीजेपी में शामिल हो गए। अर्जुन मोडवाडिया गुजरात कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे। एक वक्त पर वे पीएम मोदी के सामने राज्य में कांग्रेस के चेहरा थे। जब पीएम मोदी मुख्यमंत्री थे तो अर्जुन मोडवाडिया उस समय नेता विपक्ष थे। मोडवाडिया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। सोमवार को उनसे पहले पूर्व विधायक और गुजरात प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश ढेर भी पार्टी छोड़कर चले गए। मंगलवार के दिन भी कांग्रेस के साथ अमंगल हो गया और वाराणसी से पार्टी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 मार्च को गुजरात पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले ही गुजरात कांग्रेस के बागी नेताओं की बीजेपी जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। कांग्रेस के लिए टेंशन की बात यह है कि 2024 की शुरुआत से अब तक गुजरात में 3 विधायक और दर्जन भर पार्टी नेता इस्तीफा दे चुके हैं और बड़ी बात यह है कि सभी के सभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। उधर पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी में विकेट गिरने शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेता तापस रॉय ने सोमवार को पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी में मेरे घर पर ईडी के छापे पड़े, इस दौरान पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। तापस ने कहा कि मैं महसूस कर रहा था कि पार्टी में इज्जत नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। ईडी की टीम 12 जनवरी को मेरे घर आई थी। इतने दिन गुजर गए लेकिन पार्टी ने कोई सपोर्ट या सहानुभूति जाहिर नहीं की। मैंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, अब मैं एक आजाद पंछी हूँ। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिये वजह तो बहुत ही है, वजह है द वेरियस स्कैम्स, वजह है संदेश खाली, वजह है वंचना, बेइज्जती और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमीडिएट आफ्टर द 12th जनवरी द ईडी रेडेड माई फ्लैट। नोबडी फ्रॉम द पार्टी, कोई बैन नहीं दिए है, मेरा परिवार से बात भी नहीं किए है, इससे बहुत दुखी है मैं और मेरा परिवार। नहीं नहीं, मेरा घर में ईडी ये नहीं भेजा है, बीजेपी नहीं भेजा है, मेरा घर ईडी भेजा है सुदीप बनर्जी, बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ मी, फ्राइटेंड ऑफ मी, जीलस ऑफ मी, एंड वंस आई टोल्ड हिम दैट ही इज इन्वॉल्व इन सो मेनी स्कैम्स सिंस लॉन्ग बैक, और लास्ट रोज वैली वेला उसमें बोले थे जो जेल से 4 महीना जेल में थे, और आई डोंट हैव एनी ब्लैक स्पॉट, तो पर्सनल कोई रिलेशन उसको इस्तेमाल करके ईडी भेजे है मेरा घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से पहले राज्य की राजनीति गलियारे में हलचल तेज हो रही है। तापस से पहले कुणाल घोष ने टीएमसी प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ भी बयान दिए, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी दिया। अब घोष ने कहा है कि वे इसका जवाब जरूर देंगे। आज के इस चुनावी चौपाल में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें, और अब WhatsApp के जरिए भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।